आम चुनाव के लिए बीजेपी के 155 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नरेंद्र मोदी वाराणसी, अमित शाह गांधीनगर, लखनऊ से राजनाथ, भोपाल से शिवराज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा, कोटा से ओम बिड़ला को उतारने की तैयारी। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग फाइनल। कुल 48 सीटों में से शिवसेना के उद्धव गुट को 20, कांग्रेस 18 पर, शरद पवार के एनसीपी 10 पर उम्मीदवार उतारेगी। निर्दलीय राजू शेट्टी को पवार की पार्टी का समर्थन, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी को उद्धव के कोटे की 2 सीटें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स चुनने पर लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच जमकर झड़प। रात में लाठी डंडे चले, वीडियो हुए वायरल, कई छात्र जख्मी, घायल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। दोनों गुटों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मार्च महीने के पहले दिन देश में कई बड़े बदलाव। दिल्ली समेत तमाम शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। फास्टैग केवाईसी की लास्ट डेट भी खत्म। जीएसटी के नियमों में भी किया गया बदलाव। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 मंजिला इमारत में मौजूद मशहूर बिरयानी रेस्तरां में भयानक आग। कम से कम 44 लोगों की मौत, 75 बचाए गए, 22 झुलस गए। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। नीचे की मंजिल पर लगी आग तेजी से ऊपर की तरफ फैली और लोग फंस गए। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने भूख से बिलबिलाती फिलिस्तीनी नागरिकों की भीड़ पर गोलियां चलाईं। 112 लोगों की मौत, 760 लोग जख्मी। अल नाबुलसी शहर में राहत सामग्री लेकर आए ट्रक को भीड़ ने घेर लिया था। इजरायली सैनिकों ने कहा उन्हें खतरा महसूस हुआ इसलिए गोलियां चला दी। कई देशों ने की हमले की निंदा। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।